बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज पांचवा दिन है, गोवर्धन तक की लीला आप लोग सुनेंगे। अब इन्हीं विचित्र लीलाओं में अघासुर, अब कहते हैं पाप, पाप का ही मूर्तिमान राक्षस क्या बन गया, अजगर बन गया। इतना लंबा अजगर, कभी आप लोगों में से किसी ने अजगर देखा है क्या? सचमुच हमने भी देखा है। जब हम वृंदावन से एक बार कथा में यहाँ आ रहे थे, तो वृंदावन से बाहर मथुरा के बीच में इधर सघन वन है, तो वहीं एक अजगर रोड पे आ गया था। बड़ी भीड़ लगी थी, तो वहां पे गाड़ी वाले ने रोकी, हम भी देखने गए, तो बहुत बड़ा अजगर था। सच में अजगर इतने बड़े बड़े होते हैं महाराज, कि जो भी उनके पास में आ जाए ना, हिरन तक भी, गैया तक भी, मनुष्य भी, वो उसको लील जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस अजगर ने क्या किया, अपना होंठ नीचे वाला नीचे धरती पे और ऊपर वाला बहुत ऊंचे, तो सारे सखा नित्य प्रति गैया चरा ले जाते हैं। मधुमंगल बोले, लाला आज तक हमने ये गुफा इस रास्ते में, हम भैया रोज आवे इस रास्ते में, ये गुफा नहीं मिली। बोले अरे कोई नया रास्ता होगा, ये तो गुफा है। तो सब के सब गुफा में जाने लगे। अब वो जो नाग की अजगर की जीभ है, जीभ कैसी होती है, चिकनी भी होती है और गुदगुदेदार होती है, गद्देदार, तो उस पे चलते जा रहे हैं, आपस में ही प्रश्न कर रहे हैं सारे सखा, और आपस में ही कोई उत्तर दे देता है। बोले भैया देखो, यहाँ पे जरूर कोई ऋषि मुनि अंदर रहते होंगे, कोई योगी महात्मा सिद्ध महात्मा रहते हैं इस गुफा में। देखो क्या ठाट वाट है बाबाओं की, सड़क भी बना रखी है, तो पूरी गद्देदार बना रखी है। भैया चलते जाओ, और अपना जो दोपहर का भोजन था कलेवा, वो पोटली बांध करके लटका रखा है। तो दांत होते हैं ना, सांप के दांत ऐसे मुड़े हुए होते हैं, उनमें से ही वो क्या फेंकता है, जहर फेंकता है। तो एक छोटे से कहने बोले, अरे भैया कन्हैया दादा, ये जो खूटी है, ये खूटी किस लिए हुए? तो एक ने झोला उतारा, बोले ये यहाँ पे झोला टांगने के लिए हम लोग जो भोजन लेके आए हैं, कि यात्रीगण पहले अपने सामान यहाँ पे टांग दे, फिर अंदर जाकर के संतों के दर्शन करें। आप आज भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल